हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही मस्त टॉर्च बनाकर आपको दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इमरजेंसी के टाइम में आपको यूज़ कर सकते हो इस टॉर्च का। गाइस, बहुत ही मस्त टॉर्च होने वाला है, तो इसका मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैं भी यूज़ करता हूं। गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से रोशनी कर रहा है। और गाइस, खास बात तो ये, आप इसके अंदर पैसे भी रख सकते हो। हाँ, इसको आप मनी बैंक की तरह भी इसका यूज कर सकते हो। तो गाइस, इसमें एक ऑप्शन भी है पीछे के साइड में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कुछ ही देखा मैंने ऑप्शन भी रखा है मनी बैंक, मतलब यहाँ पे पैसे भी इजीली रख सकते हो, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर पैसे है कि क्या है। तो गाइस, कैसे बनाया इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में, तो वीडियो का अंदर जो देखना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे इमरजेंसी टॉर्च बनाने के लिए 9.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे दो पीस ले लिया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे दो पीस ले लिया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने स्प्रे कैन का जो हमारा डिब्बा होता है उसके अंदर से मैंने इसको कटिंग करके इस तरह सीट मैंने बना करके कटिंग कर लिया है। ये वाला जो स्प्रे कैन होता है उसमें से मैंने इसका सीट कटिंग कर लिया है। अब गाइस, इसको कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे चिपकाना होगा। तो गाइस, इसको मैं ग्लू स्टिक से यहाँ पे फटाफट से चिपका लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने दो पीस को बहुत ही अच्छी तरह चिपका लिया है। ये साइड साइड में से जो निकला हुआ है उसको यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे कैंची से मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने साइड साइड से इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने 9.5 सेंटीमीटर वाला जो पीस था उसको ले लिया है। और गाइस, यहाँ पे जो हमने स्प्रे कैन का जो सीट था उसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे कुछ तरीके से चिपकाएंगे। दोनों तरफ से हमें थोड़ा सा पीवीसी पाइप का जो छोर है उसको खुला रखना है। और यहाँ पे इस तरीके से मैं हॉट ग्लू स्टिक डाल के अच्छे से चिपका लेता हूँ। गाइस, यहाँ पे मैंने चारों पीस को बहुत ही अच्छी तरह चिपका लिया है। अब गाइस, कुछ ही तरीके से इसको बॉक्स टाइप में हमें चिपकाना होगा। तो चलिए, यहाँ पे फेविक्विक से अच्छे से चिपका लेते हैं। गाइस, मैंने इसको अच्छे से चिपका करके बॉक्स टाइप में बना करके रेडी कर लिया है। उसके बाद गाइस, मैंने एक तरह का पीवीसी पाइप का सीट ले लिया है। और यहाँ पे हमें एक बॉक्स मार्किंग कर लेनी है, जिससे इसको हमें कटिंग करके इसके पीछे के साइड में लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह इसकी कटिंग करके फिनिशिंग दे दिया है। उसके बाद गाइस, मैंने 7 एलईडी लाइट ले ली है, जो कि 10 mm की एलईडी लाइट है। ये सातों एलईडी लाइट को मैं इसके अंदर लगाऊंगा। तो गाइस, एलईडी लाइट को इसमें किस तरह फिट करना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे दो लेग होते हैं एलईडी लाइट के, तो यहाँ पे हमें दो दो का निशान कर लेने का है। और इसके अंदर होल करके हमें एलईडी लाइट को यहाँ पे फटाफट से फिट कर लेने का है। तो चलिए, यहाँ पे फटाफट से होल करके इसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सारी एलईडी लाइट को बहुत ही अच्छी तरह फिट कर दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैंने दो वायर ले लिए है, जो कि थोड़ा हल्का ब्राउन वायर है और यहाँ पे एक वाइट वायर है। तो यहाँ पे गाइस, मैं यहाँ पे कनेक्शन करने वाला हूँ। किस तरीके से कनेक्शन करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है उसको पॉजिटिव में कनेक्शन करने का है, जो नेगेटिव वाला लेग है उसको नेगेटिव में कनेक्शन करने का है, यानी कि इसका पैनल में कनेक्शन करने का है। तो चलिए, फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्शन जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव करके कंप्लीट कनेक्शन कर दिया हूँ। उसके बाद नेगेटिव के लिए एक वायर बाहर निकाल दिया हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव के लिए एक वायर बाहर निकाल दिया हो। यहाँ पे गाइस, मैंने बॉक्स जो बनाया था उसको ले लिया है। यहाँ पे कुछ तरीके से रख करके इसको फेविक्विक से अच्छे से चिपका लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे फेविक्विक से अच्छे से चिपका लेते हैं। तो गाइस, एलईडी लाइट वाले बॉक्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरह फिनिशिंग देकर साइड में रख दिया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर 8.1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे दो पीस ले लिया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे दो पीस ले लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ ही देर मैंने यहाँ पे दो पीस ले लिया है। अब गाइस, इसका भी हमें बॉक्स बना करके रेडी कर लेने का है। तो चलिए, फटाफट से बॉक्स बना कर रेडी कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप का सीट ले लिया है और ये जो हमने बॉक्स चिपकाया है इसको ऊपर के साइड में रख देंगे और यहाँ पे पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। गाइस, यहाँ से जो सीट निकलेगा उसको हमें पीछे के साइड में चिपकाना होगा। तो गाइस, यहाँ पे फटाफट से मैं मार्किंग करके यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके सीट को कटिंग कर लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो बॉक्स है उसके पीछे के साइड में यहाँ पे अच्छे से रख के फेविक्विक से चिपका लेंगे। गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से मैं चिपकाना है जिससे कि बाहर ना निकले। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके इसको चिपका लिया है। यहाँ पे इसको अच्छे से फिनिशिंग भी दे देंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके इसको फिनिशिंग भी दे दिया है। यहाँ पे जो इसका लुक है बहुत ही मस्त दिख रहा है। गाइस हमें इसको ऐसा बनाना है जिसे मार्केट में भी ऐसा हमारा टॉर्च ना मिले। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे जो पीस है यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप का सीट ले लिया है। ये जो पीवीसी पाइप का सीट है इसके ऊपर रख के वापस से एक पीस को यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने इस तरीके का सीट कटिंग कर लिया है। अब ये जो सीट है बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर एक्यूरेट लग जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो सीट है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। बहुत ही फिनिशिंग से इसमें ये जो सीट है वो लग रहा है। लेकिन गाइस इसको अभी यहाँ पे हमें नहीं लगाने का है, इसको खोलने या फिर बंद करने वाला हमें बनाने का है। तो ये वाला जो सीट है अभी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद गाइस मैंने 12 वोल्ट वाला होल्डर ले लिया है। गाइस ये 12 वोल्ट का होल्डर था, यानी कि गाइस ये जो मैं ऑनलाइन जब इसको लिया था ये 12 वोल्ट इसमें से निकल रहा था। लेकिन गाइस इसको मैंने पैनल में कनेक्शन कर दिया जिससे गाइस हमें इस पे 3.7 वोल्ट मिलता रहे और इसके अंदर तीन बैटरी लगाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में, तो गाइस हमें पैनल में 3.7 वोल्ट ही मिलेगा। उसी तरीके से गाइस यहाँ पे मैंने होल्डर को भी अच्छे से पैनल में कनेक्शन कर दिया है। एक साइड के वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया है और एक साइड के वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे मैं मार्किंग करके यहाँ पे स्लॉट कटिंग कर लूँगा जिसमें हमें होल्डर को लगाना होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मार्किंग कर लिया हूँ। चलिए यहाँ पे स्लॉट भी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने स्लॉट कटिंग कर दिया है। इसके अंदर जो हमारा होल्डर होगा बहुत ही अच्छी तरह बैठ रहा है। यहाँ पे आपको लगा कर एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा होल्डर जो है उसके अंदर लग चुका है। अभी गाइस इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे 3.7 वोल्ट की जो बैटरी होती है मैंने उसको ले लिया है। ये यहाँ पे गाइस मैं 3.7 वोल्ट की तीन बैटरी लिया हूँ गाइस, जिससे कि इसका एम्पियर जो है वो बढ़ जाएगा। हमारा जो टॉर्च है बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पे चलेगा। तो गाइस यहाँ पे पैनल में कनेक्शन करने का है। अगर गाइस आप लोग थोड़ा भी इसमें गलती करते हो तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए गाइस जिस तरीके से मैं यहाँ पे कनेक्शन बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्शन करने का है। यहाँ पे पॉजिटिव वाले को सबको एक साइड यहाँ पे रखने का है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वाले को सबको एक साइड रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसका वोल्टेज कितना निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3.65 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे माइनस दिख रहा होगा तो गाइस उसमें मत लीजिए। यहाँ पे वायरिंग थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उल्टा लगाया इसलिए ऐसा हो गया। तो गाइस 3.65 वोल्ट ये बाहर निकल रहा है। तो अब इसको यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं, फेविक्विक से अच्छे से चिपका देंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से फेविक्विक से चिपका लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा टॉर्च वाला जो लाइट था उसको मैंने ले लिया है। इसके पीछे के साइड में यहाँ पे कुछ तरीके से लगा करके अच्छे से यहाँ पे फेविक्विक से चिपका लेंगे। गाइस यहाँ पे पेंसिल से मैंने मार्किंग किया था उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं चिपका रहा हूँ। तो आप लोग भी यहाँ पे पेंसिल से मार्किंग करके ही चिपकाना। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह चिपका लिया है। बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे चिपक चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे 18 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे पीवीसी पाइप का सीट ले लिया है। गाइस इसको मैं हैंडल के रूप में यूज़ करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर में मार्किंग कर लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे 14 सेंटीमीटर में मार्किंग कर लूंगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग करके मैंने लाइनिंग भी अच्छी तरीके से कर दिया है। और यहाँ पे लाइटर से इसको इस तरीके से हीट करके यहाँ पे मैं मोड़ लूंगा। तो चलिए हम इसको मोड़ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने दोनों साइड अच्छी तरीके से मोड़ दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में मैंने मार्किंग कर दिया है। यहाँ पे दोनों तरफ मैंने 1 ही सेंटीमीटर की मार्किंग की है। और गाइस इसको भी मैं मोड़ने वाला हूँ, किस तरीके से मोड़ेंगे चलिए वो देख लेते हैं। बाद गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह इसको फिनिशिंग दे करके यहाँ पे हैंडल टाइप में रेडी कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने एक एसटी स्विच ले लिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये जो एसटी स्विच है उसको हैंडल के आगे साइड में यहाँ पे मार्किंग करके अच्छे से यहाँ पे स्लॉट को यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्लॉट में कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से स्लॉट कटिंग कर दिया है। यहाँ पे जो स्विच है उसको यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। अगर गाइस यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो गाइस एक वीडियो को लाइक जो कर देना, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो गाइस यहाँ पे एसटी स्विच को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से लगा दिया है। गाइस यहाँ पे जो हमने ऊपर का जो टॉप है उसको जो पीवीसी पाइप का सीट कटिंग किया था उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। और गाइस यहाँ पे एक छोटी सी मैं मार्किंग कर रहा हूँ जिससे हम लोग यहाँ पे पैसे को अंदर डाल सके, यानी कि जो हमारा मनी होता है उसको यहाँ पे हम रख सके, इसको मनी बैंक की तरह भी यूज़ कर सके। तो गाइस यहाँ पे मैंने अच्छी तरह डॉट कर लिया है। यहाँ पे मैं ड्रिल मशीन की यूज़ करके यहाँ पे स्लॉट कटिंग कर लेता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे पैसे को अच्छी तरह से डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लॉट कटिंग कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा हैंडल है उसको मैंने ले लिया है। अगर जहाँ पे स्विच आगे के साइड में लगा है उसको यहाँ पे कुछ आगे के साइड में रख करके फेविक्विक से अच्छी तरह चिपका देंगे। गाइस ध्यान रहे इसको हमें हैंडल को मिड में ही चिपकाना है जिससे दिखने में अच्छा लगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह मिड में हैंडल को चिपका दिया है। और यहाँ पे गाइस चार पीस ले लिया। ये जो चार पीस है कहाँ चिपकाना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चार पीस है उसको चार कोने में हमें को चिपकाना है जिससे कि गाइस यहाँ पे स्क्रू को अच्छी तरह यहाँ पे टाइट कर सकते हैं और निकाल सके। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से फेविक्विक से चिपका लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे चारों कोने पे मैंने पीवीसी पाइप का टुकड़े को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद गाइस जो हमारा बॉक्स का जो हमारा ऊपर का टॉप था उसको मैंने ले लिया है और यहाँ पे अच्छी तरह से हमें होल कर लेंगे जिससे कि इसके अंदर स्क्रू को अच्छे से लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से होल कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरह से होल कर दिया है। इसी तरीके से मैंने ये बॉक्स के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरह से होल कर दिया है। उसके बाद गाइस अभी मैंने चार ड्रिलिंग स्क्रू ले लिया है। इसको गाइस यहाँ पे ड्रिलिंग स्क्रू बोलते हैं और ये ड्रिलिंग स्क्रू आप लगा सकते हो या फिर आप कोई भी स्क्रू लगा सकते हो। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं स्क्रू लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छी तरह स्क्रू इसके अंदर टाइट कर दिया है। लेकिन गाइस अभी हमें स्क्रू को निकालना पड़ेगा क्योंकि गाइस इसके अंदर हमें कलर भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं स्क्रू को निकाल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे स्क्रू निकाल लिया। ये जो स्विच ऊपर के साइड में लगा है उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो बैटरी होता है उसको भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो बैटरी होल्डर था यहाँ पे जो हमारा था उसको यहाँ पे निकाल लिया हूँ। अब गाइस यहाँ पे ये ब्लू जो कलर होता है उसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से ब्लू कलर कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह इसमें ब्लू कलर कर दिया है। अगर इसका जो कलर है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। गाइस बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको फिनिशिंग भी दिया है, बहुत ही अच्छी से इसको कलर भी कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस कलर करने के बाद तो इसका जो लुक है बहुत ही मस्त दिख रहा है, सच बता रहा हूँ गाइस। अब गाइस यहाँ पे बैटरी और स्विच का कनेक्शन करने का है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन किया है। यहाँ पे जो कनेक्शन है बहुत ही सिंपल है, इजीली आप लोग कर लोगे। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जो एलईडी लाइट का नेगेटिव वाला वायर है उसको मैंने स्विच के ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये जो स्विच का रेड वाला वायर है उसको मैंने होल्डर के नेगेटिव वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला वायर जो होल्डर का है उसको मैंने एलईडी लाइट के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। बहुत ही कनेक्शन सिंपल आप कर लोगे। यहाँ पे मैंने टेपिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया है। यहाँ पे कनेक्शन जो है कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे बैटरी को भी मैंने एक बार लगा करके यहाँ पे चेक कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे गाइस बैटरी को किस तरह चार्ज करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जब मैंने एक बैटरी ले लिया है, सबसे पहले इसका वोल्टेज आपको मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे 3.40 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3.40 वोल्ट दिखा रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे चार्ज करके आपको दिखाऊंगा किस तरह करेंगे बता देता हूँ। यहाँ पे ऑल इन वन बैटरी चार्जर मैंने बनाया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसकी वीडियो देख सकते हो जाकर। आ रहा है ऐसे ही बैटरी चार्जर आप बना सकते हो। यहाँ पे 1 वोल्ट से लेकर 19 वोल्ट तक की आप लोग कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4.90 वोल्ट तक यानी इसको सेट कर दिया है। और यहाँ पे मतलब सेट नहीं किया, इसको मैं यहाँ पे घुमा करके 4 वोल्ट तक कम से कम इसको यहाँ पे सेट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे 4 वोल्ट तक मैंने सेट कर दिया, इसको चार्जिंग में भी लगा दिया है। अगर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइड वाली बत्ती यहाँ पे ऑन हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो बत्ती ऑन हुई है यानी हमारी जो बैटरी अभी चार्ज हो रही है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो गाइस ये साइड वाली बत्ती ऑन हो जाएगी। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो बत्ती है वो ऑन हो चुका है यानी हमारी जो बैटरी है वो पूरी तरह से फुल चार्ज हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो 3.67 वोल्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहाँ पे अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ 3.67 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो गाइस यहाँ किस तरह से बैटरी चार्ज करना मैं आपको बता दिया। आप लोग तीन वो जो चार्जिंग मॉड्यूल आता है आप लोग उससे भी चार्ज कर सकते हो। गाइस इसके अंदर मैं चार्जिंग मॉड्यूल इसलिए नहीं लगाया तो क्या ये कॉस्टली आता है, आप लोग खरीद करके इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। लेकिन गाइस इसके अंदर मत लगाना क्योंकि गाइस आप लोग इसके अंदर बैटरी निकाल करके आप चार्जिंग मॉड्यूल से अलग से इसको चार्ज कर सकते हो, आपके जो पैसे है वो बहुत सारे बच जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा जो स्क्रू है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कस लेंगे अगर हमारी जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको कस लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो टॉर्च है वो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन गाइस यहाँ पे आगे के साइड में हमें ग्लास लगाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे ग्लास लगाने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारा टीवी होता है एलसीडी जो टीवी होता है पुराना वाला उसका मैंने यहाँ पे इस तरह ग्लास निकाल लिया है। गाइस आप लोग किस तरीके से एक ग्लास मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो पुराना टीवी वाला जो होता है वहाँ पे बहुत ही भंगार टीवी पड़ा होता है, वहाँ से आप लोग कोई भी पुराना टीवी चीप प्राइस में ले सकते हो और इस तरह ग्लास निकाल सकते हो। नहीं तो गाइस अगर वाइंडिंग शॉप पे आप जाओगे तो वाइंडिंग पेपर जो होता है उसको भी इसमें लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस करेगा, ऐसा नहीं है कि वो ब्राइटनेस नहीं करेगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास था तो मैंने यहाँ पे इसका
यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ ही तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे फेविक्विक से अच्छी तरीके से लगा लूँगा और फेविक्विक लगा कर बहुत ही अच्छी तरीके इसको चिपका दूँगा। चिपकाने के बाद इसको मैं बहुत ही फिनिशिंग भी दे दूँगा जिससे कि ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो चलिए फटाफट से इतना काम कर लेते हैं। गाइस हमारा जो टॉर्च है पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारे टेस्टिंग के लिए पूरा तैयार हो गया है ये। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे हमको लाइट टेस्टिंग आपको नहीं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने मनी बैंक के लिए यहाँ पे जो बनाया है इसको पीछे के साइड में स्लॉट जो कटिंग किया है वहाँ पे पैसा आपको पहले डालकर दिखाऊंगा जो किस तरीके से इसका लाइव वेट है। इसका जो वेट है बहुत ही कम होता है। मैं आपको एक बार सबसे पहले इसके अंदर मैं पैसा डाल देता हूँ, उसके बाद इसका जो वेट है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ इसको, मतलब इतना हल्का है अगर कोई आपको देखेगा इसको तो गाइस सोच भी नहीं पाएगा आपने इसके अंदर पैसा रखा है क्या रखा है। यकीन मानिएगा बहुत ही मस्त ये टॉर्च होने वाला है। आप लोग अभी अपने घर पर बनाना जरूर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह मैंने पैसा जो है इसके अंदर डाल दिया है। अगर एकदम चीप एकदम लाइव वेट है इसका, सच बता रहा हूँ गाइस, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको खोल भी सकते हो और यहाँ से पैसे भी निकाल सकते हो। यकीन मानिएगा तोड़ना भी इसको बिल्कुल नहीं है। आप लोग इसको खोल करके पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे अच्छे से स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर सकते हो फिर से। अगर यहाँ पे इजीली इसका यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से इसको को टाइट कर दिया है। तो चलिए अब इसका हम यहाँ पे नाइट टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इसका लुक देखिए गाइस, आपको इसका लुक कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। यहाँ पे गाइस बहुत सारे लाइट जले हुए हैं, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे लाइट को मैंने बंद कर दिया पूरा एकदम। यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे गाइस मैं जैसे टॉर्च को ऑन किया गाइस यहाँ पे पूरा एकदम मतलब ब्राइटनेस हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस ये जो टॉर्च है आप लोग इसका इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। मतलब कहीं भी अगर आप रहते हो गाँव में रहते हो या फिर यहाँ पे जो बारिश का मौसम चल रहा है गाइस बहुत ही पावर जाने का या फिर आने का इसी तरीके का यहाँ पे जो सिस्टम है वो रहता है। पढ़ने के लिए भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। खा रहे हो तो गाइस इसका यूज़ कर सकते हो क्योंकि गाइस अंधेरे हो जाते हैं तो भी खाने में भी उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से इसका ब्राइटनेस है। गाइस इसको मैंने घर पर बनाया बहुत ही ईजिली बनकर रेडी हो जाता है इसका। गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके इसका फिनिशिंग भी मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। यहाँ पे गाइस ब्राइटनेस भी आप लोग देख सकते हो बहुत ही मस्त है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।